अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा मसले पर घिरे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस की एक न्यायिक जांच में अमेरिका से लीक हुए पुराने दस्तावेजों की निगरानी के लिए ट्रंप के न्याय विभाग को पेश करने पड़े सीज हो चुके अकाउंट डेटा। हाउस इंटेलिजेंस में दो लोगों पर शक की सुई। अमेरिकी राज्यों अटलांटा, वाशिंगटन, बाल्टीमोर, नैशविले में पुलिस अधिकारियों की भर्ती से दूरी बना रहे युवा। जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम हत्या और उसके विरोध के बाद अमेरिका में पुलिस अधिकारियों की प्रतिष्ठा पर आई है आंच। कैलिफोर्निया प्रशासन ने एक फेरी से समुद्र में गिर गए यात्री की तलाश के लिए उतारे कोस्ट गार्ड। सेंटा कैटलिना द्वीप से लौटते वक्त इस फेरी के एक यात्री के समुद्र में गिरने और लापता होने की आई थी खबर। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान में तेज गति से जा रही एक बस के पलटने से 20 लोगों की हो गई मौत, 50 से ज्यादा घायल। घायलों में कुछ की हालत बेहद गंभीर। तेज गति से जा रही बस पर ड्राइवर के नियंत्रण खो देने की वजह से यह हादसा हुआ। अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक सुन्नी समुदाय हजारा पर दूसरी बार बम से हमला। हमले में हजारा युवक की मां और बहन की गई जान। 6 जून को एक हजारा महिला होसनिया को तालिबानियों ने बनाया था अपना शिकार। दुनिया में कोरोना के मामले 17,56,00,000 के पार। अब तक 37,90,000 लोगों से ज्यादा लोगों की गई महामारी से जान। 15,92,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देने में हुए कामयाब। G7 समिट में बोले ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब। WHO की कोवैक्स स्कीम के तहत दुनिया भर में वैक्सीन की आपूर्ति की कोशिशें जारी। ब्रिटेन गरीब देशों के लिए कर चुका है 10,00,00,000 वैक्सीन का निर्यात। ब्रिटेन के 77% वयस्कों को लग चुकी है वैक्सीन की पहली डोज, 54% को वैक्सीन की दोनों डोज। टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष ने आगामी खेलों के लिए G7 देशों के समर्थन की उम्मीद जताई। आयोजक समिति के अध्यक्ष सीको हाशिमोटो ने कहा कि कोरोना की वजह से टल चुके ओलंपिक खेलों की अगुवाई अगर G7 देश करेंगे तो यह अच्छा फैसला होगा। 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक खेलों की होनी है शुरुआत। मंगल के चट्टानी और धूल भरे सतह पर चीन के रोवर का ऑपरेशन शुरू। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी की लाल ग्रह पर अपने रोवर की तस्वीरें। चीन द्वारा जारी इस तस्वीर में दिख रहा है चीन का नेशनल फ्लैग। दुनिया भर के कई देश कर रहे हैं मंगल पर जीवन की संभावनाओं की तलाश। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में लोगों के सिर चढ़कर बोल रही BTS की दीवानगी। BTS मील के लिए मैकडॉनल्ड के स्टोर्स पर डिलीवरी बॉयज की उमड़ी भीड़। दुनिया भर में कैरेबियाई बैंड BTS के हैं लाखों दीवाने। मैकडॉनल्ड ने बताया BTS से इंस्पायर होकर BTS मील की गई शुरुआत।